जेल दे अंदर रामलीला चल रही सी ते मौके दा फायदा चुक के दो कैदी फरार हो गए अते जेल प्रशासन रामलीला ही वेखदा रह गया अते जदो इस घटना दा पता जेल प्रशासन नू लग्या ता हत्थां पैरां दी पै गई। एह दोवें कैदी पौड़ी लगा के कंध टप के फरार होए सन। जानकारी मुताबिक जेल दे अंदर निर्माण कार्ज भी चल रहा सी ते रामलीला भी चल रही सी जिसका फायदा कैदियां ने चुकिया ते फरार हो गए। यह घटना हरिद्वार तो सामने आई है। उथी मौके ते डीएम ते एसएसपी भी जेल पहुंचे ते घटना स्थान दा जायजा लिया ते इस नु जेल प्रशासन दी लापरवाही दसी है। उथी एसएसपी परमिंदर सिंह दा कहना है कि फरार कैदियां दी तलाश कीती जा रही है, फोरेंसिक ते डॉग स्क्वाड दी मदद दे नाल सुराग इकट्ठे करन दी कोशिश कीती जा रही है। फिलहाल फरार कैदियां दे विचों एक कैदी कतल दे केस दे विच उम्र कैद दी सजा कट रहा सी ते दूजा किडनैपिंग दे केस दे विच जेल दे विच बंद सी। दोस्त बंदी हैं, एक पंकज है जो रूसी का रहने वाला था, हत्या के केस में दोस्त था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोस्त जो था, ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं। और लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर एक सीढ़ी पड़ी हुई थी तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज़ किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें FIR दर्ज हो गई है सिरपुर थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मैजिस्ट्रेटरी जांच भी इसकी कराई है। सर, अधीक्षक जो है यहाँ पे अवकाश पे हैं, जो जेलर है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रामलीला में बिजी होने के बजाय अपनी ड्यूटी करते, उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इस वजह से घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो उनकी सजा होगी। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि दो कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांस के यहाँ से निकले हैं, जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो धारा संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सतुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक जो कैदी है पंकज वो सजायाफ्ता भी है और परम वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है और 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और